तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे। बुखार का चिंता किए बिना आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज, और आप यहाँ पे पूरा झंडा देख सकते हैं जो कि दुकान में टंगा हुआ था। तो हम लोग अपने कॉलेज पहुँचने के लिए टोटो में बैठ जाते हैं, टोटो में बैठ के कॉलेज पहुँचते हैं। कॉलेज पहुँच के ये ग्राउंड में पूरा तैयारी हो रहा होता है, और इस बीच हम लोग भैया से बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत तैयारी के विषय में, क्या क्या कब कब होगा। अब इनसे मिलिए, ये हमारे कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के हैं, इसलिए ब्लॉग में दिखा दिए। अब हम अपने दोस्तों के साथ पहुंचते हैं होटल में, क्योंकि भूख बहुत जोर का लगा हुआ था। तो गाइस, पेट भरने के लिए सस्ता में सिंघाड़ा कचौड़ी सबसे अच्छा होता है, तो यही खा के हम लोग निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए, ताकि झंडा भी फहराया जा सके। रास्ते में मिलते हैं शिवानी, और फिर रास्ता भर मस्ती करते करते हम लोग, ये खुशबू भी आ जाती है, फिर थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर लेते हैं और फिर चलते हैं कॉलेज में। तो आइए अब चल के कॉलेज में मिलते हैं। कॉलेज में आने के बाद देखते हैं कि हमारी फ्रेंड लोग फूल का कुछ तैयारी कर रही थी, ये देखिए। और हालांकि हमको थोड़ा सर्दी है तो फिर आवाज़ बहुत क्लियर नहीं जा पाएगा, पर हम अपना 100% दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा सुनाई दे सके। ये आप देख सकते हैं पूरा झंडा, अभी झंडा लगा हुआ नहीं था तभी शूट करते, ये लोग सबको तैयारी करने में लगे हुए थे। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, मैंने भी किया है वीडियो रोक रोक कर, पर कुछ कुछ आप लोग को दिखाने के लिए कंटेंट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए ये मैंने लिया था सारा। तो गाइस, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैं जब गांव गया था दीदी की शादी में, उसके बाद मैं पहली बार ये इन लोग सबसे मिल रहा हूँ। ये हमारे जूनियर्स लोग हैं, तो थोड़ा देर इन लोग से भी बातचीत होता है। तो गाइस, आज जिस काम के लिए हम लोग एक जगह एकत्रित हुए थे वो सुनहरा पल आ गया है। ये अब झंडा फहराया जाएगा, आप सब देखते रहें। ये NCC का परेड हो रहा था और ये झंडा फहरा दिया गया है। आइए अब दृश्यों का आनंद लेते हैं, और जो जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलने वाला है वो सब का भी आनंद लेते हैं। गाइस, हमारा गुरु नानक कॉलेज ये बाकी सारे कॉलेजों से काफ़ी अलग है। यहाँ पे सारा का सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एकदम अच्छे से चलाया जाता है। बाकी कॉलेज में बस मिठाई खिलाओ लाके छुट्टी कर देगा झंडा फहराने के बाद, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चलाया जाता है ताकि बच्चा लोग को सीख भी मिल सके। अब ये यहाँ पे बाकी लोग भी आ रहे होते हैं, तब तक ये लड़की आती है और ये छेड़ने वाली है, ये हमको बहुत छेड़ते रहती है। ये देखिए पलट गई, अब ये छेड़ेगी थोड़ा देर हमको। ओ तो थोड़ी देर हम लोग अपना पर्सनल डिस्कशन के बाद इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। देखिए ये सारे लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये सारे के सारे अभी ग्राउंड की ओर जाएंगे जहाँ पे झंडा फहराया जा रहा था। ये सारे के सारे अब ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए ग्राउंड में मिलते हैं। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले लड़की लोग भी थोड़ा देख लिया जाए। हाँ देख लिए, हाँ ठीक ठाक है। वाह वाह वाह, चलिए अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ गाइस। फाइनली ये हमारे नव युवक जोशीले नौजवान हैं सारे, ये सब अभी नया नया एडमिशन करवाए हैं, तो नया नया जोश है, धीरे धीरे सब ठंडा हो जाएगा। तो आइए गाइस, अब ये वीडियो को यहीं पे रोका जाए, ये गुलगुली वालों को लास्ट देख लीजिए, अब ग्राउंड में मिलते हैं। ग्राउंड में आने के बाद एक जगह पर अपना सीट ले लेते हैं ताकि कहीं से वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सके, पर प्रोग्राम बहुत दूर में हो रहा था तो दूर से वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो हम सामने से जाके वीडियो शूट करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए अब हम लोग मेन डांस का आनंद लेते हैं। ये स्पोर्ट्स प्लेयर सारे के सारे यहीं पे बैठ जाएंगे। अंतर हाँ तुम्हारी कथा
सारे कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। अब थोड़ा देर हम लोग टीचर्स के लेक्चर सुनेंगे। तो गाइस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब हम अपने दोस्तों के पास आते हैं तो ये सारे के सारे यूट्यूबर्स अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस मौका का फ़ायदा उठाया जाए, मैं भी 8-10 से सब्सक्राइब करवा लेता हूँ। अब मिलिए इनसे, ये हमारे नटखटे प्यारे चुलबुले चुलबुले दोस्तों से, एक से एक कॉमेडियन भरे पड़े हैं और ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। हाय हाय हाय। अब कुछ हम मेकअप पोत रही थी उन लोग का सुंदरता देख के कि हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, थोड़ा मेकअप कर ले, उसको गुस्सा आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, इसको गुस्सा आते रहते हैं, गुस्सा का उतना भी वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेकअप पोत रही है पोतनी। ये वैसलीन का प्रचार कर रही थी कि आप भी लगाइए एड़ी में, ओठ में, ब्ला 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 एटसेट्रा। तो गाइस भारत माता की जय करते हुए हम लोग प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और मस्ती करते करते हम लोग अब पहुंचेंगे मिठाई खाने के लिए। ये स्पर्श भैया हैं जो पहली बार बनी हेलमेट लगाए थे और ये हमारा झंडा फहराने के बाद का सीन है। हम लोग खुशकिस्मत हैं जो भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। अब ये हमारे शिक्षक गण जिन लोगों के साथ हम लोग फ़ोटो लेने के लिए जाते हैं, इन लोग को प्रणाम करते हैं क्योंकि सुबह से हम लोग को भी टाइम नहीं मिला था और ये लोग भी नहीं मिले थे। तो अब इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो खिंचवा के जाएंगे खाना का आदत हो गया, खाना नहीं नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि लाने का जिम्मेवारी तो किसी और के ऊपर था। अब ये लोग पूरा मस्ती करते हैं सर के साथ क्योंकि माखन हमारा दोस्त कंप्लेन कर रहा होता है कि हम लोग गाली देते हैं, उसके बाद ही हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और खिंचवा के अब निकल रहे होते हैं नाश्ता लेने के लिए। उसके आगे आगे भाग रही है। ये नाश्ता के लिए पूरा मस्त सा भीड़ था, कितना लोग इसमें दोबारा घुसा हुआ था, जैसे कि ये लड़की भी दोबारा इसमें गई है लेकिन बोलती है कि नहीं हम पहली बार ही, ये दोबारा नहीं, ये तिबारा गया है ये लड़का, ये और तेज है। ये हम भी ले लिए हैं, लेके बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के पास ताकि मिलके खाया जा सके और एक जगह पे इकट्ठा होंगे और वहाँ पे हम लोग बैठ के खाएंगे क्योंकि खाना खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। काफ़ी टेस्टी सिंघाड़ा था पर एक जला हुआ था, मेरे साथ मोए हो जाता है। अब हम लोग सबको मिल के खा रहे होते हैं, इतना में तो बहुत कुछ होता है, हमको भिंगा भी दिया जाता है पर वो सब वीडियो नहीं है। खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये वीडियो शूटिंग चलता है, साहिल स्पर्श भैया और वो जो भी है जा रहा है सब कोई। अब ये हम लोग वीडियो का लास्ट दौर में है गाइस, ये हम लोग घर पे जा रहे हैं
क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है, लेकिन उससे पहले कुछ खा लिया जाए, भूख भी लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां भरी पड़ी हैं। ओए हाय, देख रहे हैं गाइस न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ठीक है। ये विजय को आप देख सकते हैं, पूरा बात बात कर रहा था। उधर से कुसुम झांक रही है, आप देख सकते हैं बहुत ध्यान देती है विजय पे। दाल में कुछ काला है गाइस, ये मिष्टी है असली बंगलिनिया। अब हम लोग एक जगह पे सबको मिलते हैं, चाट के लिए ऑर्डर दे देते हैं। चाट बनाने में थोड़ा लेट हो रहा होता है तब तक, क्योंकि ये लोग खा रही होती हैं। अब अपने पैसे का तो खा नहीं रही है, कि इन लोगों का मना भी करेंगे कि मत खाओ, खाने दिया जाए। सूरज अपना हेलमेट ऊपर रख देता है, बनी हेलमेट। और ये ब्लॉगर बाबा है अपना, द बघीरा राइडर उसका चैनल है गाइस, सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छा वो भी ब्लॉगिंग करता है। हम भी ख़राब नहीं करते, हम भी अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो भी अच्छा करता है। तो द बघीरा राइडर आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, उसका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये गाइस ये हमारा चाट रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं ये चाट चाट नहीं चाट है, बहुत अच्छा लगता है गाइस। वाओ क्या टेस्टी है ना। अभी ये हम लोग खा पी के अपने अपने घर को निकल जाते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।